हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं जीत जायसवाल आप सभी को अपने चैनल टारगेट इज पॉसिबल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग डिजिटल सेवा की न्यू आईडी पासवर्ड को कैसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद कैसे अपने वॉलेट पिन को चेंज करेंगे और नया पिन जनरेट करेंगे और कौन सी सर्विसेज नए पोर्टल में आपको मिल रही है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा। और फिलहाल मैं ये वीडियो आज ही बनाया हूँ जिसमें आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है, और समझ लीजिए इस वीडियो का दूसरा पार्ट के तौर पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत यानी लास्ट तक का देखिए। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं लोग। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को लॉगिन पेज दिखा दूँ। जो आप लोगों को कनेक्ट आईडी मिली यहाँ पर डाल दीजिएगा और पासवर्ड यहाँ पर डाल दीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड देखिए, जैसे आप लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कंटिन्यू है, यहाँ पे आपका कनेक्ट आईडी होगा और यहाँ पे दिया है क्लिक द बटन बिलो द कंटिन्यू ऑथोराइज ऑफ द रिक्वेस्ट डू यू ऑथोराइज आर डिजिटल सेवा। तो आप लोग को यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो फ्रेंड आगे बढ़ने के बाद आप लोगों को क्या कौन सा पेज दिखाई देगा इसके बारे में बता दूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग लॉगिन करेंगे तो ये आपका डिजिटल सेवा का जो नया पोर्टल लॉन्च हुआ है ऐसे आपको दिखाई देगा। और जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर दिया है योर वॉलेट पिन इज नॉट सेट, यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है सेट वॉलेट पिन, आप लोगों को सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्लिक करना है और अपना सेट वॉलेट पिन जनरेट कर लेना है। आइए मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा दूँ। तो देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिए गए हैं वॉलेट पिन बनाने के लिए, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और यहाँ पे दिया है जनरेट ओटीपी, इसको पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ पे कर लीजिएगा। और यहाँ पे दिया है जनरेट ओटीपी, जैसे ही आप लोग जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाएगी और उसके बाद आप जनरेट वॉलेट पिन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं लोग, हम लोग अपना वॉलेट पिन बना लेते हैं लोग। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड दिया जाएगा। उस वन टाइम पासवर्ड की मदद से हम लोग यहाँ पे अपना वॉलेट पिन बना लेंगे। और देखिए यहाँ पे जैसे ही आप लोगों को ओटीपी जनरेट करेंगे तो आपके मोबाइल का लास्ट चार डिजिट नंबर यहाँ पे शो होगा। तो फ्रेंड मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ गया, मैं यहाँ पर ओटीपी टाइप कर दे रहा हूँ। और ओटीपी टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। और जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको न्यू, देखिए यहाँ पे न्यू पिन और कंफर्मेशन पिन बनाने के लिए आ गया। आप अपने हिसाब से जो भी आपको याद रहे उसे आपको बना लेना है, वो भी 10 मिनट के अंदर। मैं यहाँ पे 6 अंकों का एक वैलिड पिन यहाँ पे डाल के सबमिट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे सक्सेस वॉलेट पिन हैज बीन चेंज सक्सेसफुली, मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया अपना वॉलेट पिन। और वॉलेट पिन में यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे आइए, यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे वॉलेट पासबुक अकाउंट सपोर्ट और यहाँ पे आपका नाम दिखाई देगा चेसी का और यहाँ पे स्टेटस में ऑनलाइन दिखाई देगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट सर्विस में क्लिक करता हूँ। तो देखिए गवर्नमेंट के सर्विस रिलेटेड जो भी होगा आपको यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हमको लगा इस साइड में अभी अच्छे से जनरेट नहीं किया गया, अभी इस वेबसाइट में अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है और पूरी तरह से अभी साइट अभी तैयार नहीं हुआ है। मैं आधार पे क्लिक करता हूँ, देखिए अभी कोई सर्विस नहीं दिखा रही है। तो यहाँ पर ट्रेल पर भी मैं क्लिक कर दिखाता हूँ, देखिए फ्रेंड अभी कोई सर्विस अच्छे से। तो दोस्तों ये आपका डैशबोर्ड खुल गया, डिजिटल सेवा पोर्टल का न्यू पोर्टल जो है उसका पोर्टल हो गया। और इसमें आपका कोई भी अमाउंट नहीं शो होगा क्योंकि अभी इसमें वर्क हो रहा है। और जैसे ही आप जो कि पुराना अपना सीएससी का पोर्टल बंद होगा उसमें जितने भी आपके अवेलेबल बैलेंस होगा इसमें जोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप लोग डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो सारी सर्विसें आ जाएंगी, या फिर यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ से अपना सर्विसेज देख सकते हैं। सर्विस में कोई भी लिंक नहीं अटैच किया गया है, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें वर्क हो रहा है
जैसे कि मानिए मैं आधार पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ अभी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी लिंक नहीं मिल रहा है नेक्स्ट का कोई भी वर्क करने के लिए। तो आप लोग वेट कीजिए, आप लोगों का जब पूरा इसमें स्थायी रूप से वर्क करने रहेगा तो आप कर सकते हैं। यहाँ से अपना प्रोफाइल भी जाँच कर सकते हैं और सारा डिटेल यहाँ से ले सकते होंगे। तो फ्रेंड वैसे भी आप लोग इसे रहने दीजिए, इसमें कोई छेड़खानी ना कीजिए, बस अपना वैलिड पिन चेंज कर लीजिए। और भी कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, और आपका अगर वैलिड पिन बनाने में कोई समस्या आती हो तो मैं समाधान बता दूंगा। वैसे मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बता भी दिया हूँ कैसे आप लोग वैलिड चेंज करेंगे लोग। और भी कोई नई जानकारी मुझे मिलती है digitalseva.cse.gov.in के तरफ से, या फिर कोई भी नया इफेक्ट आता है तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।